मुंबई सहित पूरे देश में कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए लॉकडाउन शुरू किया गया है। ऐसे में जब भाजी का बाजार खुलता है तब लोगों का भारी भीड़ जमा हो जाता है। उसी भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए मुंबई की गोराई पुलिस ने एक सराहनीय कदम उठाया। मलाड पश्चिम के मनोरी इलाके में भी भाजी खरीदी करने के लिए बाजार में काफी भीड़ भाड़ जमा हो जाता था। यहाँ के बाजारों में सोशल डिस्टेंस नाम का कोई चीज ही नहीं था, लेकिन गोराई पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एक खुले मैदान में 2 मीटर की दूरी पर सब्जी वालों को शिफ्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बाजार में फिश वालों को अलग बिठाया गया है और वेज वालों को अलग बिठाया गया है। हर भाजी वाले के सामने भी एक गोल राउंड बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। फन खान है भाई, आपने यह जो पुलिस ने ओपन ग्राउंड में मार्केट लगवाया, किन लोगों को आप लोग सामान दे रहे हो और नहीं दे रहे हो? जो मास्क लगा के आ रहे हैं उन्हीं को सामान दे रहे हैं, जो गोल घेरे में खड़े होते हैं ना सिर्फ उनको लेन से आएगा, उन्हीं को देते हैं। नहीं, क्या है इधर के लोगों को जो कोली मूलभूत कोली लोग हैं और उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं तो उनको ये सब सिस्टम पता नहीं है, और दूसरा क्या इतना ये जो बीमारी है कोरोना उसके बारे में जागरूक नहीं है। तो सच्ची बोलो तो पूरा श्रेय मैं नारकल साहब को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये सब ग्राउंड अरेंज करा के दिया और लोकल लोग को लेके, और क्योंकि कोहली लोग को समझाना बोला तो बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने उनको समझा वगैरह बुझा के वगैरह अभी जो चालू किए तो अभी ट्रायल बेस पे है, लेकिन पहले ही दिन हम लोग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा तो मुझे लगता है ये अभी कंटिन्यू इसको आगे हम लोग आगे करते रहेंगे। नहीं, फॉलोअप करें, क्योंकि जब उनको सब बताया गया क्या ये कोरोना जो रोग है जो छुआछूत जैसे भी एकदम बीमारी है जो एकदम जल्दी फैलता है बोल के लोगों में फैलता है, तो उन्होंने अभी खुद आप खुद देखिए क्या सब लोग पालन कर रहे, जब उनको जब बताया गया वगैरह सब, तो इसके लिए और दूसरा एक सिस्टम के जो मास्क पहनेंगे उनको ही मच्छी देंगे, नहीं तो मच्छी भी नहीं देंगे, इसके लिए तो सब मास्क वगैरह पहन के आते हैं सब। क्या ये मनोरी गांव में जो फिश मार्केट, फिश पे बेसिकली लोगों का ये धंधा चल रहा है फिशरमैन से और सब्जी वाले हैं, तो 2 दिन पहले ये जो आप मार्केट सामने देख रहे उस मार्केट पे सब लोग सारे एक 80 या 90 लोग फिशरमैन बैठते थे और एक 15-20 वेजिटेबल वेंडर्स, तो वहाँ इतना भीड़ था कि हम लोग ने फिर एक मीटिंग लिया कि अभी जो कोरोना वायरस के हिसाब से, और गाँव वालों ने और हमारे पुलिस वाले ने फिर ये डिसाइड किया कि ये जो ग्राउंड है बाजू में यहाँ पहले लोग क्रिकेट खेला करते थे, तो अभी कोरोना की वजह से ये ग्राउंड खाली है, तो हम लोग इन लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिए और उनको एक 10-10 मीटर का डिस्टेंस दिए है और सर्कल बना के दिया है कस्टमर्स के लिए। तो अभी एक बाजू में वेजिटेबल्स का मार्केट किया है और एक बाजू में फ़िश का मार्केट, तो लोगों को अभी इतनी अच्छी सुविधा हो गई है। ये मार्केट हमने शाम को 5 से 6:30 बजे तक खुला रखा है, ये इनका जो रेगुलर टाइम है वो। इस अभी ये सब लोग जो आप देख रहे हो एक 300-350 लोग है अभी आते जाते रहते हैं, तो इनको अभी कोई दिक्कत नहीं है, और ये देख के हमको भी एक अच्छा है कि बाबा ये लोग एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे। ठीक, मराठी में।